फिर सेम चीज गुरु गोबिंद सिंह जी चंडी दी वार दे विच समझाउंदे ने, तैही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया जी। दुनिया देखो दुर्गा माता दी पूजा करदी आ, उहदे विच वी ध्यान लाउंदी आ, ते गुरु गोबिंद सिंह की कह रहे, तैं कौन है? अकाल पुरख, वो कौसमिक एनर्जी, वो सृष्टि दे रचनहार। तैही दुर्गा साज के दैंतां दा नाश कराया, तैथों ही बल राम लै, रामचंद्र जी ने तेरे कोलों शक्ति लई, ते ओना ने रावण दा वध करिया, तैथों ही बल राम लै, नल बाणा दै सिर घाया, तैथों ही बल कृष्ण लै, कंस केसी पकड़ गिराया जी। हुण देखो दुनिया कृष्ण जी दे विच बहुत ध्यान लाउंदी है, फिर दुनिया रामचंद्र जी दी बहुत पूजा करदी है, दुनिया दुर्गा दी बहुत पूजा करदी है, पर गुरु गोबिंद सिंह की कह रहे हैं, तैथों। हुण जिहड़ा तैथों है ध्यान तां ओहदे विच लाउणा सीगा, इहनां तों बाईपास करा के डायरैक्ट कनैक्शन थोड़ा एक ऐसी एनर्जी नाल जोड़न लगे सी जिहड़ी अभिनाशी है। अभिनाशी दा मतलब जर्रे जर्रे दे विच प्रकाशमान है वो चीज जिहड़ी शक्ति दुर्गा दे विच है, जिहड़ी शक्ति रामचंद्र जी दे विच है, जिहड़ी शक्ति कृष्ण जी दे विच है, ओही शक्ति तेरे दे अंदर भी है, तां ही तू साह लै रहे हैं। वो सेम शक्ति दे नाल तैनूं जोड़ना सी, फिर जदों अज तों बाद तुसीं बोलोगे ना वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जदों हुण बोलोगे ना वाहेगुरु, फिर ध्यान किधरे पासे नहीं जाना, फिर सिर्फ ध्यान मेडिटेशन है जिहड़ी, वो वाहेगुरु दे विच रहनी है, क्योंकि तुहानूं हुण पता लग गया चीजां दा भी वाहेगुरु कौन है ते बाकी शक्तियां कौन है।